है गाइस, आज का हमारी वीडियो कन्यादान कविता ऋतुराज जी के द्वारा लिखी हुई है। इस कविता में एक माँ अपनी पुत्री की शादी के वक्त उसकी शिक्षा देती है। शिक्षा का उल्लेख यहाँ पर करते हैं कि अक्सर नारियों को कोमल, कमज़ोर और असहाय बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर माँ अपनी बेटी के इस भ्रम को तोड़ करके जीवन जीने की शिक्षा देती है। और वह कहती है कि तुम कभी भी अपने चेहरे को पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर मत रीझना, मत खुश होना, मत प्रसन्न होना। कवि के कहने का भाव यहाँ पर इतना है कि कभी कभी उनकी सुंदरता ही उनके लिए बंधन बन जाती है और दहेज के कारण लोग लड़कियों को जला देते हैं। इस भय के कारण माँ बेटी को समझाती है कि आग रोटी पकाने के लिए भी होती है और कहती है कि आग से केवल रोटियां पकाना, स्वयं मत जल जाना और किसी भी ऐसी घटना से हमेशा सावधान रहना, सचेत रहना ताकि तुम कभी भी आग से जल ना जाओ। यहाँ पर माँ की चिंता दिखाई देती है। आजकल यह देखा जाता है कि लड़कियां ससुराल वालों के जुल्म सहती रहती हैं और कुछ बोलती भी नहीं। यदि समय रहते उसका विरोध किया जाए तो ऐसी घटना से बचा जा सकता है। अक्सर नारी की कोमलता को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है और उसे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर के एक सीमित दायरे में समेट दिया जाता है। यहाँ पर नारी के लिए नए नए आदर्श बताए जाते हैं समाज में कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी बातें या आदर्श उसके बंधन बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लड़की की माँ कहती है कि लड़कियों की तरह तो रहना, लेकिन लड़कियों की तरह दिखाई मत देना, यानी कोमल मत दिखना, क्योंकि तुम कोमल दिखोगी तो तुम्हारा लाभ उठाया जाएगा और तुम्हें कमज़ोर बना दिया जाएगा। कहने का भाव यह है कि हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करना, किसी बात का विरोध ना करना, यह सब तुम्हें लड़कियों की तरह बना देगा, कोमल बना देगा और ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। लड़कियों के गुणों से ऊपर उठकर अपनी बात को दृढ़ता से औरों के सामने रखना, जिससे लोग स्त्री को अबला समझकर उस पर अत्याचार करने की हिम्मत ना करें। माँ ने अपनी बेटी की विदाई के समय उसे शिक्षा देते हुए बताया है कि जलने की कोशिश मत करना, केवल भोजन पकाना आग से, क्योंकि स्त्री को लोग सौंदर्य की वस्तु समझते हैं और उसे कमज़ोर समझकर ससुराल वालों के द्वारा तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं और वह किसी तरह का प्रतिवाद नहीं करती है, विरोध नहीं करती है, लेकिन उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसे चुप नहीं रहना चाहिए। माँ ने बेटी को चेहरे पर रीझने के लिए भी मना किया और बताया कि चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, अन्याय को सहना नहीं है, शोषण का विरोध करना है। यहाँ पर शाब्दिक भ्रम एक शब्द आया है, इससे यह तात्पर्य है कि शब्दों के द्वारा किसी भी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक बनाना, किसी वस्तु का शब्दों के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है। इसकी समानता बहू को मिलने वाले सुंदर कपड़ों और आभूषणों से की गई है और ये आभूषण उसके मन में भ्रम पैदा कर देते हैं कि उसके ससुराल वाले सचमुच उसे प्यार करते हैं। और ये यहाँ पर माँ अपनी चिंता को व्यक्त करती है कि ये तो केवल शाब्दिक भ्रम है, इनसे सावधान रहना। कवि उन सामाजिक बंधनों के रहस्य को व्यक्त करता है जिनके कारण स्त्री को गुलाम बनाया जाता है। गुलाम बनाने के लिए उसे सुंदरता, वस्त्र, आभूषणों आदि के प्रति मोह, झूठी प्रशंसा और ये ना करो, ये करना चाहिए आदि आदर्श की व्याख्या जो होती है, उसके कारण नारी जीवन को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इसी भाव को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। यहाँ पर लड़कपन का होना भी कभी कभी स्त्री के शोषण का कारण बन जाता है। कवि ने नारी को सामाजिक बंधनों से मुक्त रहने के सुझाव दिए हैं। यहाँ की भाषा की बात करें तो पानी में झांकना, लड़की होना, रोटियाँ सेकना, जलने के लिए नहीं है आदि प्रयोग इसके उदाहरण हैं कि यहाँ पर संकेत कर रहा है कवि, जिनके अर्थ अलग हैं। वाक्य रचना की बात करें तो वाक्य रचना अत्यंत सरल है। यहाँ पर
समाज में नारी की जो दशा है उसकी ओर कवि संकेत करता है कि किस प्रकार से समाज में दहेज प्रथा, सामाजिक बंधनों की आग आदि तेजी से बहुओं को निगलती जा रही है। आज वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली कन्या ही नहीं चाहते हैं बल्कि साथ में दहेज भी चाहते हैं, यहाँ पर यही बताया गया है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है ऐसे? क्योंकि विवाह के पश्चात वह ससुराल चली जाएगी, उसके बाद माँ अकेली रह जाएगी, इसलिए माँ के लिए बेटी जो है अंतिम पूंजी है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, एक इस तरह का प्रश्न भी आपके सामने कई बार आ जाता है। यहाँ पर माँ कहती है कि आभूषणों के बदले में अपनी स्वतंत्रता का गला कभी भी नहीं घोटना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि कन्यादान कविता जो है उसके कवि का नाम ऋतुराज है और प्रस्तुत कविता में प्रामाणिक दुख को कहा गया है। दुख किसे कहा गया है? दुख प्रामाणिक है। माँ की अंतिम पूंजी उसकी बेटी को कहा गया है और माँ ने अपनी बेटी को पाठिका के रूप में देखा है। कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है, तो ये भी प्रश्न एक आ जाता है जिसमें बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। आग रोटियां सेकने के लिए है और भारतीय समाज में लड़की का दान करने का अर्थ है लड़की का विवाह कर देना। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है खास तौर पर कि लड़की का स्वभाव कैसा था, तो भोला भाला उसका स्वभाव था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।